नमस्कार दोस्तों। दोस्तों एक लड़का लड़की को पसंद करने से पहले उसमें क्या क्या देखता है, ये हर व्यक्ति के जीवन से जुड़ा प्रश्न है जिनका उत्तर देने की आज मैं कोशिश करूंगा। दोस्तों जीवन साथी पाने से पहले, लड़की को प्यार करने से पहले अच्छे से इन बातों को देख लें, क्योंकि बाद में पछताने से अच्छा है किसी का हाथ पकड़ने से पहले ही इन बातों पर गौर कर लिया जाए, क्योंकि किसी की जिंदगी अगर आप संवार नहीं सकते तो आपको बिगाड़ने का भी कोई हक नहीं है। दोस्तों लड़का जब टीनेजर्स होता है तब लड़की की सिर्फ सुंदरता देखता है, उसे गुणों से कोई लेना देना नहीं होता है, लेकिन जब 25 वर्ष का हो जाता है तब लड़की की समझदारी उसके लिए बहुत मायने रखती है। लड़की कितनी समझदार है, कितनी सुलझी है, लड़की झगड़ालू तो नहीं है, लड़की शक्की मिजाज तो नहीं है, ये सब बातें लड़का देखता है, और अगर उसे ऐसी कोई बात नजर नहीं आती है तो वो लड़की को पसंद करने लगता है। उसकी चाल चलन, उसका व्यवहार आदि भी सब लड़का देखता है और बड़ी बारीकी से नजर रखता है। लड़की का करैक्टर भी लड़के के लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि लड़का अगर जॉब में रहेगा तो लड़की उसके पीछे कुछ गुल ना खिलाए, लड़का हमेशा इस बात का भी ध्यान रखता है। तो लड़कियों को चाहिए कि वो ऐसी बातें जो मैंने ऊपर बताई हैं अपने अंदर विकसित करें, तभी उन्हें एक अच्छा जीवन साथी बाहें फैलाकर उनका इंतजार करेगा। लड़का अक्सर खुश मिजाज लड़कियों को पसंद करता है जो एक पार्टनर के रूप में हमेशा उसे खुश रख सके। लड़का हमेशा चरित्रवान लड़की को पसंद करता है और हमेशा पत्नी के रूप में ऐसी लड़की को वरीयता देता है। शर्माना जिसका स्वभाव हो, जो हमेशा केयरिंग हो, ऐसी लड़कियों को भी लड़का पसंद करता है। लड़की की अंडरस्टैंडिंग बहुत बढ़िया होनी चाहिए, उसका दिमाग स्वस्थ और अच्छा होना चाहिए, लड़का लड़की की ये बातें भी देखता है। दोस्तों जीवन साथी पाने से पहले, लड़की को प्यार करने से पहले अच्छे से इन बातों को देख लें, क्योंकि मन में सबके यही बात होती है जो मैंने ऊपर बताई है, बाद में पछताने से अच्छा है किसी का हाथ पकड़ने से पहले ही इन बातों पर गौर कर लिया जाए, क्योंकि किसी की जिंदगी अगर आप संवार नहीं सकते तो आपको बिगाड़ने का भी कोई हक नहीं है। किसी का दिल ना टूटे इसलिए अंदर ही अंदर इन बातों का आप अच्छी तरह से पता कर लीजिए, और अगर आपने ये बातें पता कर ली और आप उसकी आदतों से संतुष्ट हो गए तो फिर आप लड़की को प्यार करने लगेंगे, ये निश्चित है। आशा है जो बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ वो आपकी समझ में आ गई होगी। अपना बहुत ध्यान रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें। धन्यवाद।